नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज और मैं हूं आपके साथ शहरी। खबर बालिया से है, जहां रसरा थाना कोतवाली क्षेत्र सिंघी चट्टी के निकट कल रात चाकूबाजी में 33 वर्षीय देवेंद्र चौहान की चाकू लगने से मौत हो गई। साथ ही बीच बचाव कर रहे दो युवकों को घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार महराजपुर निवासी लगभग 35 वर्षीय युवक देवेंद्र कुमार चौहान पुत्र रामकृत चौहान को सिंघी चट्टी पर शुक्रवार की रात्रि लगभग 8:30 बजे कुछ लोग मिलकर मार रहे थे। तभी रसरा से दशहरे का मेला देखकर महाराजपुर घर लौट रहे बाइक सवार मयंक चौहान और सुनील सिंह ही चट्टी पर पहले से हो रहे मारपीट को देख रुके और बीच बचाव करने लगे। बीच बचाव में दोनों युवकों को गंभीर चोट आई। मारपीट और बीच बचाव में तीनों घायल हो गए। घायल को रसरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहाँ हालत गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद देवेंद्र को रेफर कर दिया गया। मयंक चौहान, क्या मामला हुआ था रात में? मामला ये हुआ था कि मैं बाइक से वो आ रहा था मेला देख के। कितने लोग थे आपके साथ? हम लोग दो लोग थे, बट एक जने उतर के चले गए। वहाँ पे कुछ विवाद चल रहा था, कुछ मतलब हमारे गांव कुछ लोग थे और बाहरी कुछ लोग थे जिनको पुलिस ने भी पकड़ लिया है। विवाद चल रहा था, झगड़ा वगड़ा हो रहा था और इनको मतलब ज़्यादा ही मार रहे थे। मैं बीच बचाव करने के लिए गया था और हमें भी लोगों ने छूड़ा मारा और बेल्ट से भी मारा जो फटा हुआ। किसको मार रहे थे ज़्यादा? वो हमारा एक गांव के चाचा लगेंगे, वो विद्यत कर गए हैं। अच्छा, क्या नाम है? देवेंद्र चौहान नाम है। उनको मार रहे थे? उनको मार रहे थे। और आप बीच में गए? हाँ, हम उनको छुड़ाने के लिए गए तो फिर वो लोग उनको छोड़ कर ज़्यादा ही मार दिया था, मरने की स्थिति में आ गए थे। अच्छा, उसके बाद फिर मेरे को फिर 5 लोग मिल के मारने लगे। कौन कौन मारा आपको कुछ पता है? अब पुलिस ने पकड़ लिया है, अब पुलिस विभाग से जाकर ले ली डाटा। कहाँ ये घटना हुई? सिंघई चट्टी पे। सिंघई चट्टी पे हुआ। ये बताएंगे कि जो आपके चाचा लगते हैं उनको क्यों मार रहे थे लोग? अब ये वाला चीज़ हमको नहीं मालूम है, वो लोग खुद कुछ बताए हैं क्योंकि मैं बाद में गया था। वो चीज़ मैं कैसे कह सकता हूँ क्यों क्या किया? जिन लोगों ने आपके ऊपर हमला किया उन लोगों का नाम और कुछ अता बता जाएंगे? ना, हमको नहीं पता, वो विभाग से मिल जाए। कितने लोग आप लोग को चोट लगी है? हमारे पास 3 लोगों को चोट लगी है, जिसमें एक डेथ कर गए हैं और हमको ही मारा गया है और एक हमारे साथ में एक लड़का सुनील चौहान उसको ही मारा गया। थाने में तहरीर हो चुकी है? सब चीज़ हो चुका है। तहरीर दे चुके? हाँ। के कर तोहार? जय श्री चौहान। जोर से बोला, जय श्री चौहान। थाना पहल बड़ा था, क्या मामला बा? अरे भाई, लड़का मर गया है तो थाना पर जो मौलजी में उसको पकड़वाने के लिए। कौन लड़का मर गया? जो देवेंद्र चौहान। कैसे मर गया? अब छुड़ा लगा था वो, मर गया। कहाँ छुड़ा लगा हुआ था? सिंघाई काली माई के स्थान था। अच्छा, मतलब कितने लोग थे कुछ जानकारी है विधवर? अब पारा पारी वो लोग 3 लड़के गांव का हैं, तीनों को छुड़ा लगा है। अच्छा, इनका क्या क्या नाम है? एक देवेंद्र पुत्र रामप्रीत, मयंक पुत्र रामजीत, सुनील पुत्र जोगिंदर। कितने साल के होंगे? कल दिनांक 15 अक्टूबर 2021 को रात्रि में रसड़ा में सिंघई चट्टी के पास दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष द्वारा चाकू से हमला किया गया, जिसमें एक लड़के को गंभीर चोट लगी थी, जिसे इलाज हेतु जनपद चिकित्सालय बलिया से वाराणसी रेफर किया गया था, जिसके रास्ते में मृत्यु हो गई। इस संबंध में थाना रसड़ा पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इस घटना में नामजद 2 अभियुक्तगण को हिरासत में ले लिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।